नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले दिन 2489 अभ्यर्थियों का क्या हाल रहा है वो मैं आप लोग को बताऊंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में पहले दिन का अभ्यर्थियों का अनुभव भी बताऊंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छूटे हुए अभ्यर्थी जो आज जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, दोस्तों बहुत से अभ्यर्थियों का छूट भी गया है किसी कारणवश, तो उनको अंतिम दिन जो है अंतिम में मौका मिलेगा। यह सब मैं आप लोग को वन बाय वन सभी बताऊंगा। दोस्तों, 2489 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया गया था। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग को दिखा रहा हूँ मैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि रोल नंबर के हिसाब से आप लोगों को बुलाया जा रहा है, जिसका जिस रोल नंबर से है, और आप लोगों को एड्रेस भी पता ही है, श्री बप्पा नारायण बप्पा श्री वैकेशनल पीजी कॉलेज केकेवी स्टेशन रोड चार बाग लखनऊ। तो दोस्तों, यह स्टेशन रोड जो मतलब चार बाग जहां है वहां से मात्र 100-200 मीटर दूरी पे ज़्यादा से ज़्यादा यह जो है कॉलेज है, वहीं पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दो पाली में हो रहा है, 10 से 1 बजे तक और 1:30 से 4:30 बजे तक। तो दोस्तों, आज जो है 9 तारीख है, 9 तारीख में आपको पता ही है कि पहले शिफ्ट तक जो है 1246 अभ्यर्थी और दूसरे शिफ्ट में जो है टोटल मिला के 2489 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया गया था, जिसमें से दोस्तों मैं बता रहा हूं कि केवल 75% ही अभ्यर्थी जो है बताया यही जा रहा है कि 75% अभ्यर्थियों के जो अभिलेख परीक्षण मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है अभी तक सही पाए गए हैं, उनके डॉक्यूमेंट जो है जो आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, जैसे मान के चलिए कि 100 में से 75 अभ्यर्थियों का एकदम करेक्ट पाया गया है, 25 के लिए जो है कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ियाँ थी। मैं आप लोग को बार बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताता हूं कि जिससे आपका नुकसान ना जाए, लेकिन उसके बाद भी अभ्यर्थी कम से कम गलती कर दी है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, 100 में से केवल 75 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही पाया गया, 25 का जो है कुछ उसमें गड़बड़ियाँ थी। मैं बार बार कहता था अगर कहीं भी माइनर गलतियाँ हैं तो आप 10 रुपये का एफिडेविट ज़रूर लगाइएगा। तो बहुत से अभ्यर्थी ये भी गलती किए थे, बहुत से अभ्यर्थी कुछ डॉक्यूमेंट भूल गए थे। तो दोस्तों, ऐसे काफ़ी जो है अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूजन होने के नाते, तो दोस्तों जो भी मैं सटीक बताया था जिन्होंने मेरे चैनल के माध्यम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस प्रक्रिया जो थी अगर इसको ध्यान से देखे हैं तो उनका गलती नहीं हुआ है। तो यह सब दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट मैं आप लोग को बता रहा हूँ, 2489 अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण के लिए बुलाया गया था, केवल 75% अभ्यर्थी ही जो है सही पाए गए और कुछ लोगों का गलत है, तो उनको अंतिम में मौका मिलेगा। और कल की डेट में यानी 10 तारीख को जो है 2489 से लेकर 4960 मतलब ये रोल नंबर तक के अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो जो गलतियां आज अभ्यर्थियों ने किया है वह गलती जिनका कल है वो ना करें। टोटल डॉक्यूमेंट मैं आप लोग को दिखाया था, फिर से एक बार मैं दिखा दे रहा हूं, उतना डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिए। दोस्तों, इतना सब कुछ मैं आप लोग को बताया था, यह सब डॉक्यूमेंट एक बार आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। बहुत से लोग कह रहे हैं क्या पैन कार्ड भी लगेगा, रख लीजिए, जो लगेगा लगा दीजिएगा। 200 रुपये फीस, कितनी रसीद कटी थी आपकी जो है फीस उसको ले लीजिएगा, 200 ही नहीं मतलब जो भी कटी होगी आपकी वो सब लेकर आप इस हिसाब से कर सकते हैं। फ़ोटो वगैरह भी रख लीजिएगा, सब प्रमाणित भी लगा सकते हैं, राजपत्रित अधिकारी से भी फ़ोटो जो है साइन करवा के लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यह सब मैं आप लोग को बताया हूं, तो आप लोग गलती ना करिएगा कल के अभिलेख परीक्षण में यानी 10 तारीख में। दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है घबराएं ना, अब वो अपना रिजल्ट और मेरिट का इंतज़ार करें कि कब जो है रिजल्ट आएगा। रिजल्ट दोस्तों उसके लिए आपको मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आपको टच में रहना पड़ेगा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। उसका माध्यम एक ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो दोस्तों, जो आज प्रक्रियाएं चली हैं वह मैं आप लोग को बता दिया हूं। आप लोग का सभी डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे प्रॉपर वे में चेक किया जा रहा है, इसलिए कोई भी गलतियाँ ना करें जिससे एक ही बार में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल हो जाए। जो भी गलतियाँ आप लोगों ने PET की परीक्षा में PET के फॉर्म के समय की हैं और मुख्य परीक्षा जो दिए हैं उसमें भी फॉर्म में गलतियां की हैं, तो वही सब सुधार के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो इसमें आप सही सही भर के डॉक्यूमेंट पर वेरिफिकेशन कराएं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जो अपडेट बताया हूँ रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ आप लोग को बता रहा हूँ। धन्यवाद।